हाय गाइस, जय हिंद। तो गाइस, मैं आज महिपालपुर आया हूँ। तो यहाँ से मैं अभी जाऊँगा राजकिशोर रामकिशोर सर के यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास ब्लैक फीमेल है, शिट्जू है और लासा है, छोटी ब्रीड के डॉग भी उनके पास। तो ब्लैक पपी जो है, बहुत से लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से ले रहे हो, तो मैं उन्हीं के पास से ले रहा हूँ ब्लैक फीमेल के पपी। तो मैं अपने लिए खुद मेल लेने वाला हूँ उनसे। तो यहाँ से जा रहा था तो ये पीछे भगवान शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी तो दर्शन करते हुए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को ये भी बता दूंगा, ये भी ब्लॉग डाल दूंगा। यहाँ का ब्लॉग पहले डाला था मैंने संडे के दिन का, ठीक है, मैं हर संडे ब्लॉग डालता था यहाँ का। तो ये पीछे देखो भगवान सीताराम है, सामने शिव जी है और इस साइड में राधा कृष्ण है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ रामकिशोर सर के यहाँ पे। तो वहाँ के डॉग भी दिखाऊंगा उनके मैं, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो मैं सोचा आज एक अलग ब्लॉग डालता हूँ बना के। तो चलिए गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी फिर रामकिशोर सर के यहाँ, वहीं पे मिलते हैं सर के घर पे, क्या है हिसाब किताब, ठीक है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ रामकिशोर सर के घर पे। ये है इनकी जर्मन शेपर्ड फीमेल, ये लॉन्ग कोट में आप देख सकते हैं इसके बाल, ठीक है। इसके बाल देखो, मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे ना कि सर आप ब्लैक पपी कहाँ से ले रहे हैं। तो ये है इनकी फीमेल, मैं इसी का बच्चा लेने वाला हूँ, ठीक है। देखो आप इसके बाल देखो, ये पीछे वाले बाल जो है, ये लॉन्ग कोट की फीमेल है, अभी 18 मंथ की है, ठीक है, मस्त है, बहुत ही शानदार फीमेल। मैं घर पे आया हूँ सर के, तो मैं अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा सर के साथ में। और ये है ये लासा, एक दो लासा, ये दूसरा, चार लासा है सर के पास, और एक ये है शिट्जू, ये वाला, ये शिट्जू है। तो ये है जर्मन शेपर्ड फीमेल सर के पास, लॉन्ग कोट, इसका नाम चार्ली है, गुड। ये है सर, देख लो, रामकिशोर सर नाम इनका। पहले मैं आया था यहाँ पर, जो संचित है ना, संचित भाई ने लेके गए थे इनसे एक लासा का पप्पी। ये भाई शिट्जू पहलवान, ये है पहलवान भाई अपना, ये है शिट्जू, बहुत शानदार बच्चा है ये। जब मैं आया था ना तो छोटा सा था, जब मैं संचित के साथ आया था, संचित भाई के साथ, अभी बहुत हैवी हो गया ये। मैं आते ही पूछा सर को छोटा वाला शिट्जू कौन सा, बोले यही है। अरे बाप रे, बहुत मस्त है। डैडी कम ऑन। चार सर के पास लासा है और एक शिट्जू है, और ये है जर्मन शेपर्ड फीमेल। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे लॉन्ग कोट की पहचान क्या है, तो ये बाल देखना है पीछे वाले, ठीक है, ये वाले, ये देख रहे हो आप, ये बाल अलग, ये 18 महीने की है अभी, और ये देख लो मेरे ऊपर ही चल रही है। बहुत शानदार बच्चे हैं डॉग सर के, बहुत मस्त है। तो मैं आज प्रोग्राम बनाया था सर के यहाँ आने का, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ब्लैक, मैं खास करके ब्लैक फीमेल देखने के लिए आया सर की, मज़ा आया मुझे देख करके, बहुत ही शानदार, अच्छी है, मस्त है और एक्टिव भी है। जब ये ले रहे थे ना सर, तो मुझे पूछा था इन्होंने, सर एक फीमेल है ले लूँ कि नहीं ले लूँ, तो मैंने बोला हाँ सर ले लो, तो यही वो ब्लैक फीमेल। क्यों सर? या अच्छी फीमेल है भाई, जैली कैसे फटाक से बैठ जाती है बेटा, कम एयर, कम कम, ये लो बिस्कुट दे दो, कम। तो इनके सब पपी अभी बुक हो गए हैं, और ये ब्लैक वाली के भी बुक हो गए हैं, जब भी पपीज होंगे। काफी बड़ा घर है सर का, ऊपर में छत पे देखो आप, बहुत सारा अरेंजमेंट, इधर डॉग का फूड्स वगैरह सब रखा है सर ने, इधर भी है फूड्स पैकेट, ठीक है। ये सब रूम्स है, यहीं पे रहते हैं डॉग, देख सकते हो आप, क्वालिटी देखो यार डॉग की ना, चीज रखो अच्छी कोई भी मज़ा आता है, ठीक है। ये देखो आप, वो फीमेल के ब्लैक कलर की जो फीमेल है जर्मन शेपर्ड, इसके बाल देखो, पैर के बाल देखना है, ठीक है, लॉन्ग कोट की पहचान यही है। मगर मैं ओरिजिनल में देख रहा हूँ इसको, तो
अलग ही क्वालिटी दिख रही है। और ये 2-3 साल की जब हो जाएगी, 3 या 3.5-4 साल के लगभग जब हो जाएगी ना, तब इसकी क्वालिटी देखना बहुत ही शानदार, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये है एक सबसे पुरानी, यही है ना सर लासा, ये करंट माल है बहुत। ये हाथ नहीं लगा, हाँ वही देख रहा हूँ मैं, ये बहुत भौंक रही थी जब मैं आया ना, बाकी तो सब मेरे ऊपर आ रहे थे खेलने के लिए। तो बहुत ही सर के डॉग जितने भी हैं, 6 के 6 डॉग सब एक नंबर है, एक नंबर डॉग है, देख सकते हैं आप क्या चीज़ है ना, बहुत ही मस्त है। तो जिस किसी को लेना भी है ना, तो कांटेक्ट कर लेना, मेरे से ही कर लेना, सर का नंबर नहीं दूंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही परेशान है। तो जिस किसी को भी लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, और ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट के सामने महिपालपुर है ना, महिपालपुर गांव है, वहीं पे रहते हैं। तो आप खुद भी आ सकते हो सर के यहाँ, इनका नाम रामकिशोर है। तो सर को आपको तो जानते होंगे सर, यहाँ डॉग है आपके पास, बहुत से लोग जानते हैं। चार्ली कम है, कम ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे ज़रूर पूछ लेना। तो ये है यार डॉग सर के, मुझे जर्मन शेपर्ड फीमेल बहुत अच्छी लगी। कम है, जब ले रहे थे ना सर ने मेरे को पूछा था कि सर मैं ले रहा हूँ, आगे पीछे सोच रहे थे लू कि नहीं लू, क्योंकि उनकी भी बात सही है, जर्मन शेपर्ड में बहुत सारा फ्रॉड होता है ना, बहुत मस्त फीमेल है। और मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर वो कौन सी है जर्मन शेपर्ड फीमेल जिससे आप लेने वाले हो पपी और हमको दिलाने वाले हो, तो यही है वो। तो अभी इसका वेट कर रहा है कब पपीज होंगे इसके, इस बार थोड़ा सा मिस हो गई इसकी मीटिंग जो की थी, तो अभी नेक्स्ट टाइम मार्च तक बहुत से पपीज आ जाएंगे सर के पास, इनके भी आ जाएंगे। चार्ली स्टॉप नाउ, गुड। देखिए गाइस दो पैर पे कैसे खड़ी है, ठीक है, हे बैठ भी जाती है भाई, सही, यस गुड। छोटे पहलवान की तरह खड़ा एकदम सीधा चार्ली कैच, कैच जंप 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 चार्ली जंप 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 इधर जंप जंप बस चार्ली जंप जंप शिट शिट। तो ठीक है गाइस, फिर कमेंट्स में ज़रूर बताना डॉग कैसे लगे। और वैसे तो ये जो सर के शिह ट्ज़ू है, लासा है, टॉप क्वालिटी है, और ये भी बहुत शानदार फीमेल है ब्लैक, मैं खास करके इसको ही देखने आया था। ठीक है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप फीमेल और डॉग्स कैसे लगे जितने भी सारे जर्मन शेपर्ड की फीमेल है ना वीडियो मेरा रुक नहीं रहा, इसी का वीडियो बनाने की इच्छा हो रही, मैं तो ऐसी जर्मन शेपर्ड का दीवाना हूँ। तो चलिए गाइस फिर इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, टन टनाटन मलाई मार के, बाय बाय।